हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। डे 40, 21 जून मंडे, 59.8 kg। पर तो वेट आगे पीछे होता ही रहता है, खैर इतना भी कोई मेरा आगे नहीं हुआ है, बट स्टिल हो जाता है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। मेन एम क्या होता है, हेल्थ अच्छी होना और साथ में इंच लॉस होना। सो इंच लॉस हुआ है, आज मैंने मेजर किया है बहुत दिन के बाद ना। तो वेट तो 59.8 kg भी ठीक है ना, 75.3 से कहा मैंने स्टार्ट किया था, बट अभी के हिसाब से 100 डेज ऑफ वेट लॉस जर्नी के हिसाब से देखें तो आज की डेट में 59 kg हो जाना चाहिए था, बट 59.8 तक हो पाया। थोड़ा सा स्लोअर देन वॉट इट शुड बी वाला सीन है, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है डाइट को, कैसे नहीं करती है, दैट इज नॉट इन माई हैंड ना। वो तो बॉडी ही डिसाइड करेगी कब कितना वेट कम करना है, कब कितना नहीं। ऑल आई कैन डू इज ईट हेल्दी एज मच एज पॉसिबल एंड चीटिंग थोड़ी कम करूं एज मच एज पॉसिबल, दैट्स ऑल इन माई कंट्रोल। बट गाइज, वेट वेट वेट, सिर्फ वेइंग मशीन की तो बात नहीं होती है ना, व्हाट अबाउट इंच लॉस। आज के दिन मैंने अपने इंचेस मेजर करे। सो जब मैंने डे 1 के आसपास में इंचेस मेजर किए थे और जो मैंने डे 40 में मेजर किए, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस। मैंने अपनी वेस्ट लाइन से 1 इंच रिड्यूस कर लिया है, सो दैट इज अमेजिंग। एंड मिरर में जब मैं खुद को देख रही हूँ तो आई डू लुक विजिबली बेटर एंड स्लिमर देन बिफोर, सो दैट इज अमेजिंग। अब 60 kg के बाद वाला जो मेरा वेट कम होना है ना, इतना ज्यादा नहीं दिखेगा वेइंग स्केल पर, दैट इज फॉर श्योर, तो उतना ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। बट द थिंग इज दैट कि स्लिम होने लग जाऊंगी मैं अच्छे से, जैसे जैसे मैं अच्छे से डाइट फॉलो करूंगी और थोड़ा सा एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे आगे इनका ऑपरेट करूंगी। कोविड से रिकवर हुई थी कुछ टाइम पहले, तो इतना एक्टिविटी लेवल हाई नहीं कर सकती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ, तो इसलिए पंगे नहीं ले सकती हूँ, तो मैं कम करती हूँ और वॉक पर ज्यादा स्टिक करती हूँ या फिर बेसिक लाइट योगा पर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। बट अगर मैं ज्यादा एक्टिव रहती, ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करती, तो डेफिनेटली मेरा वेट भी ज्यादा जल्दी कम होता, बट एट द सेम टाइम मसल वेट गेन भी तो होता है, तो वेइंग मशीन पर कई बार बढ़ता हुआ भी दिखता है बट इंचेस कम होते दिखते हैं। सो डोंट वरी, वेइंग मशीन के पीछे पागल मत हुआ कीजिए। सुबह उठ के मैंने एक ग्लास पानी पिया, देन फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल टू मीडियम साइज का मैंगो खा रही हूँ। देन लगभग 30 मिनट्स के बाद में, मतलब जितना टाइम मुझे ब्रेकफास्ट को बनाने में लगा उतना ही, ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला खा रही हूँ। 2.5 घंटे के बाद में मेरे आफ्टरनून स्नैक में मैं प्लम खा रही हूँ। 4 आलू बुखारे मैंने लिए हैं, ये टोटल 150 ग्राम्स के हैं विद सीड्स। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक का टाइम। यू कैन हैव अ गुड नाइस होलसम मील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, काजू, पिस्ता, बादाम, आप मखाने खा सकते हैं घी में रोस्ट करके, आप अच्छे से सीजनल लोकल फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खैर ऑलरेडी हो गए, स्प्राउट्स खा सकते हैं समटाइम्स, वंस इन अ वाइल, ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ी ज़्यादा स्वीट्स खाती हूँ तो मेरी हर चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्वीट मतलब थोड़ा बहुत मेरी डाइट को फॉलो करो, बट डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मुझे एक्सट्रीम लेवल पर स्वीट्स खाने का आजकल मन करता है, बट फिर हाँ, मैं बाकी पूरे दिन में चीनी नहीं खा रही होती हूँ, दो एक दिन में एक बार एक स्वीट लेने की कोशिश करती हूँ, वो भी घर की बनी मेरी प्रेफरेंस रहती है। जैसे गाजर का हलवा है, मैंने घर पर खुद से बनाया, और रुजुता मैम के मैंने हमेशा देखा है इंस्टाग्राम के पोस्ट में कि गाजर का हलवा यू कैन टेक मैंगोज, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हो अपने हिसाब से, घी ज़्यादा खा सकते हो, बट हाँ, मैं कैलोरी लिमिट में खाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक लिमिट में खा रही हूँ। 20-30 मिनट्स के लिए मीडियम पेस पे, जैसे जैसे मैंने वॉक मैनेज करी और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने चिकन करी बनाई है, रोटी है साथ में, बस मैं एक चिकन का लेग पीस और थोड़ी सी ग्रेवी खा रही हूँ, और साथ में अनियन सैलड है, अनियन नींबू वाले, और 1.5 रोटी है। 2-1 घंटे के बाद, सोने से लगभग 1.5 घंटा पहले, मैं एक मैंगो खा रही हूँ। इस टाइम पर दूध पीना चाहिए, दूध मुझे अलाउड नहीं है, या फिर काजू खा सकते हैं, काजू मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, भिगे हुए बादाम खा सकते हैं, 2 बादाम मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, और क्या खाऊँ फिर मैं, मेरे को ज़्यादा कुछ इस टाइम सूझ नहीं रहा है। कोई सिंपल फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल वगैरह, क्योंकि मैं मैंगो ऑलरेडी खा चुकी हूँ, बट फिर पता ही आप लोगों को, मुझे मैंगोज बहुत पसंद है इसलिए मैं मैंगो खा रही हूँ, बट आप लोग कुछ और खा सकते हैं, ये कैलोरीज आप बचा करके दिन में दही खा सकते थे, चने खा सकते थे, प्रोटीन शेक पी सकते थे, वो ज़्यादा बेटर रहता, बट थोड़े दिन की बात है, बस मैंगोज थोड़े से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी ज़्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना खाती हूँ ना, बट फिर भी वो हेल्दी होता है, मानो चाहे ना मानो, बिकॉज मीठा हमारा दुश्मन नहीं है, घी हमारा दुश्मन नहीं है, कभी कभी खाओ, घर का बना खाओ, इट इज़ ग्रेट फॉर हेल्थ। एंड मैं खाती हूँ और फिर भी आप देख सकते हैं मेरा वेट कितना कम हुआ है ना, पहले से आप पुराने वीडियोज में अगर मुझे देखते हैं और अब देखते हैं, तो देयर इज सच अ ट्रिमेंडस डिफरेंस।
बाय द वे आज तो मंडे है ना, बट कल तो संडे था ना, तो संडे को यानी कि अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन में मैंने ट्राई किया है ये मामा अर्थ का टी ट्री फेस मास्क. इट इज विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड एंड इट जस्ट हेल्प सो मच इन गेटिंग रिड ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने एंड दिस मास्क फील सो गुड ऑन स्किन. ऑल्सो थोड़ा बहुत ही जो पिगमेंटेशन होता है ना स्किन पर वो भी इसे लगाने के बाद क्लियर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा क्लियर स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन मिलती है. इट जस्ट फील सो रिफ्रेशिंग. सीरियसली इसे एक बार ट्राई करके देखना. 15 मिनट के लिए मैं अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पर और उसके बाद फिर इसे धो लेती हूँ और मेरी स्किन एकदम से रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग हो जाती है. 100 ग्राम्स प्रोडक्ट है, सिर्फ 499 रुपीस का. इतनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, पैराबेन और सिलिकॉन फ्री भी है, फॉर एक्ने प्रोन स्किन है. टेक्सचर तो इसका बहुत ही अच्छा है एंड लिटल गोज अ लॉन्ग वे. हफ्ते में 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं. और पहले आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा मैं बहुत बार मामाअर्थ के फेस वॉशेस दिखाती हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं. बहुत सारे मैंने उनके ना एम्प्टी कर दिए, लाइक मैंने पूरी पूरी पैकेजिंग खत्म कर दी है. मुझे बहुत पसंद है. अभी राइट नाउ जो बस जरा ही टाइम हुआ वैसे मुझे ट्राई करते हो, बट आई रियली लाइक दिस फेस वॉश. दिस इज मामाअर्थ टी ट्री फेस वॉश एंड दिस इज विद टी ट्री एंड नीम एज वेल. इसमें नीम भी है. नीम हमारी स्किन को प्योरीफाई करने में ना, एक्ने पिंपल्स को दूर बनाने में, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाला काम करने में बहुत हेल्पफुल होता है. टी ट्री तो पिंपल्स को दूर करता ही है और ये जो दोनों इंग्रीडियंट्स है ना स्किन को अच्छे से प्योरीफाई करके क्लींस करके अच्छे से हमें क्लियर और स्पॉटलेस स्किन देने में मदद करते हैं. इट इज पैराबेन एंड SLS फ्री. ऑल्सो इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. It has all natural ingredients. Also, it is antibacterial and also it helps in removing the excess oil from my skin. Pump packaging is very easy to use. इन्हें यूज करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी स्किन एकदम क्लियर और स्पॉटलेस हो जाती है और बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, ऑयल फ्री एंड फ्रेश हो जाती है. All Mamaearth products are chemical free and natural. Mamaearth is a plastic positive brand. These products are available on Amazon, Mamaearth, Nykaa, Purple. And you can also use my coupon code Vartika2021 to get 20% off on these products at mamaearth.in. Mamaearth has also launched their official app. So, uska link bhi main aapko description box mein de dungi. Users get early access to sales and get extra discounts. अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई. एवरी टाइम यू प्लेस अ ऑर्डर फ्रॉम देयर वेबसाइट दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द स्पीशीज जियोलोकेशन एंड ट्री विल बी सेंड टू यू एज वेल. सो गाइज, प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू मेक श्योर टू चेक दैट आउट. आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी.